इंदौर नगर निगम की कार्यवाही में बाधा डालने और धमकी के मामले में सराफा पुलिस ने भाजपा नेता कमाल खान के बेटे पर प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को नगर निगम की टीम राजवाड़ा पर कमाल खान द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान उसके बेटे माज खान और उसके साथियों ने नगर निगम और पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दे डाली। घटना के बाद निगम कर्मी ने सराफा थाने में शिकायत की। पुलिस ने कमाल खान के बेटे माज खान पर जान से मारने की धमकी देने और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आज राजवाड़ा और उसके आसपास नगर निगम की टीम द्वारा रिमूवल की कार्रवाई की जा रही थी और उस कार्रवाई के दौरान एक दुकान के मालिक द्वारा नगर निगम की टीम के साथ अभद्रता की गई और उनको गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। ऐसी रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारी द्वारा थाने पर प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें धारा 353, 294, 506 धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें आरोपी जो दुकानदार है वो माज खान है, जिनकी राजवाड़ा पर गारमेंट्स की दुकान। कमाल खान वही नेता है जिनके लड़कों ने 15 अगस्त को देशभक्ति कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने पर एक युवती के साथ बदसलूकी कर उसे मंच से नीचे उतार दिया था। इस मामले में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।